अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतमय। अर्थात हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। With these powerful and meaningful words, we extend a warm welcome to each and every one of you to the Vyotsav 2.0, our grand Diwali celebration here at Shahid Bhagat Singh College. It's a proud moment for all of us as we look back at how seamlessly the Vyotsav 2023 had come together. The energy, the enthusiasm and the dedication shown by both morning and evening college students and the faculty had made the Vyotsav a resounding success, the main reason why this tradition continues to flourish. Celebrating Diwali involves preparing and preserving our tradition and the connected to our culture, while also nurturing nature by using eco-friendly decorations and sustainability practices, which ensures a brighter future for all of us. And what better way to begin this vibrant event than by invoking the divine energy of Ma Saraswati, the supreme goddess of education, Gyan, with the lightning of the lamp, the symbol of wisdom and property. So without further delay, we would like to request our respected principal Arun Kumar Atri sir, IQAC coordinator VAV Raman sir, staff council secretary morning Dr. Virendra Kumar sir, staff council secretary evening Sharad Kumar Yadav sir, program convener morning Ashish Singh sir, program convener evening Rajendra Kumar Meena sir, and cultural convener evening Shuchita ma'am. अलौकिक ज्योति हमारे जीवन के प्रकाश में करे और हम सबको सत्य ज्ञान और एकता के पथ पर आगे खड़ाए। इसी भावना के साथ आइए हम सभी खड़े होकर पूरे सम्मान के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के कुल गीत को गाकर संस्थान के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करें। जय जयति जय जय ज्ञान का लोक अनुपम शेष सुंदर देख दिल्ली विश्वविद्यालय अंगम। जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान का लोक अनुपम सत्य
सकल वसुधा निज कुटुंब की भावना संस्कृति सनातन आधुनिक शिक्षा पुरातन ज्ञान धाराओं का संगम सत्यम के मंगल दिव्य भावों का समागम भव्य महाविद्यालयों के परिसरों से चिर सुशोभित श्रेष्ठ गुरुजन कर रहे छात्र और छात्राएं दीक्षित चेतना नव क्रांति संस्कारों का उद्गम जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान का लोक अनुपम शेष सुंदर देख विश्वविद्यालय विहंगम जयति जय जय ज्ञान का लोक अनुपम ज्ञान का लोक अनुपम towards growth and excellence. Let's put our hands together and warmly welcome our respected principal, Professor Arun Kumar Atri, sir, to address the gathering and share his thoughts with us on this special occasion. Please, sir. A very good morning and namaskar. आज का ये जो इवेंट है दिव्योत्सव, जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिव्योत्सव दीपावली के अवसर पर शहीद भगत सिंह कॉलेज मॉर्निंग और इवनिंग ने एक नया ट्रेडिशन शुरू किया है कि जो हम मॉर्निंग और इवनिंग कॉलेज मिलकर दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं, टीचर्स, स्टूडेंट्स, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ सारे लोग मिलकर इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं शहीद भगत सिंह कॉलेज में। और ये हम रिमाइंड कराता है हमें, देखिए सभी लोग जब दिवाली मनाते हैं तो बचपन से ये बताया जाता था कि दिवाली जब श्री राम अपने घर आए थे 14 साल का वनवास काटने के बाद, उससे पहले दशहरा, अच्छाई की जीत बुराई पर। लेकिन जब हम दिवाली मनाते हैं तो ये पटाखों का सेलिब्रेशन नहीं है। जो सही में दिवाली मनाई जाती है वो दीपावली, जो ये दिया है, ये जो दिए हैं, ये एक होप है। और ये होप किस चीज़ की होप है? ये हमारे संस्कारों की होप है जो जलती रहनी चाहिए। प्रभु राम, श्री राम जो हैं, वो अगर आप राम का कैरेक्टर देखेंगे तो राम किसी धर्म से नहीं है, राम का संपर्क किसी धर्म से नहीं है। राम एक अपने आप में एक अलग इंस्टीट्यूशन है जो हमें प्रेरणा देते हैं। आप देखिए कि क्या आज हमें ऐसा कोई बेटा मिलेगा जो पिता की इच्छा रखने के लिए 14 साल के वनवास चला जाएगा, पिता के वचन को निभाने के लिए। यहाँ बच्चे आजकल के मोबाइल नहीं मानते, मोबाइल नहीं छोड़ते। अगर पिताजी बोले कि बेटा मोबाइल रख दे साइड में, 14 दिन मोबाइल यूज नहीं करेगा तो बहुत बड़ी सजा लगेगी। तो ऐसा कैरेक्टर होना कि जो अपने पिता की मर्यादा के लिए, अपने वचन के लिए 14 साल का वनवास झेल लिया, तो वो एक अपने आप में एक प्रेरणा का स्रोत है और इसीलिए उन्हें प्रभु श्री राम कहा जाता है। तो आज के इस अवसर पर मैं सभी टीचर्स को, नॉन टीचिंग स्टाफ को, छात्रों को, पूरे शहीद भगत सिंह कॉलेज मॉर्निंग और इवनिंग को मैं बधाई देता हूं और दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। और आशा करता हूं कि आज आप लोग जो ये सेलिब्रेट करेंगे, आप जो हमारी परंपरा है उसका पालन करेंगे, जो कॉलेज ने कुछ नियम बनाए हैं उनको ध्यान में रखेंगे और अच्छे से सब मिलकर ये त्यौहार जो है उसको सेलिब्रेट करेंगे।
तो मेरी तरफ से फिर से आप लोगों को एक बार शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद। Thank you, sir, for your enlightening words and beginning the festive joy of Diwali for us all. अब हम एक विशेष और अद्भुत प्रदर्शन की ओर बढ़ते हैं। नृत्यम सर्वत्र पूज्यते, which means dance is revered everywhere. नृत्य केवल एक कला नहीं बल्कि आत्मा की अभिव्यक्ति है, और इसे हमारे साथ साझा करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं नाट्य मंत्र, हमारे कॉलेज की शास्त्रीय नृत्य समाज, जो आज हमें एक अद्भुत प्रस्तुति देने जा रही है। इस नृत्य प्रदर्शन में हम भारतीय शास्त्रीय नृत्य की बारीकियों और इसकी समृद्ध परंपरा का अनुभव होगा। आइए हम सभी मिलकर इस कला का आनंद लें। Oh,
खूबसूरती से पेश किए आप लोगों ने। चलिए अब हम बढ़ते हैं एक और बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति की ओर। इट्स माय अटर प्लेजर टू वेलकम द प्रेसिडेंट ऑफ स्पर्धा अनुश्री चक्रवर्ती टू कम अप ऑन स्टेज एंड एन्चेंट अस विद हर ब्यूटीफुल ओडिसी डांस परफॉर्मेंस शोकेसिंग अस द ग्रेस एंड एलिगेंस ऑफ ओडिसा कल्चर। Da 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 da
Thank you.
और विशेष प्रस्तुति दी जहां भारतीय संस्कृति के विविध रंग देखने को मिलेंगे। विविधता में एकता, भारतस्य शोभा अस्ति, which means यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया। हमारे देश की संस्कृति की पहचान उसकी विविधता में ही है। अलग अलग प्रदेशों के परंपराएं, विधेयक वेशभूषा और लोग भी इस भूमि को समृद्ध धरोहर पाते हैं। इसी धरोहर को जीवंत करने के लिए हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं सांस्कृति एथनिक वॉक, जहां हमारे प्रतिभागी विभिन्न पारंपरिक पोशाकों में स्थानीय लोकगीतों की धुन पर रैंप वॉक पर चलते हुए भारतीय संस्कृति की विविधता और सुंदरता को परिचय देंगे। तो आइए तालियों से स्वागत करें हमारी सुंदर प्रस्तुतियों का, जो हमारी लोक परंपराओं को आपके सामने जीवंत करेगी। अंत में आपसे विनती है कि दोनों हाथ उठा के बाबा का जयकारा लगाइए, प्रेम से कोई
मेरे की परिवार की तरफ हार्दिक स्वागत, हार्दिक स्वागत है। Thank you.
परिवार इस अमेजिंग डिस्प्ले ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के लिए। अभी हम आपको ले चलते हैं भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम की ओर, जहाँ हर साल धूमधाम से बिहू पर्व मनाया जाता है। बिहू केवल एक पर्व नहीं है, यह वहाँ की संस्कृति और परंपराओं का उत्सव है जो नई फसल और खुशहाली का स्वागत करता है। Let's put our hands together and enjoy this colorful and lively bihu dance by the Naughty Society. Let's give them a huge round of applause, audience. Presenting a soulful rendition of some classic Hindi songs. I hope you'll enjoy it.
Thank you.
सब चीज़।